नमस्कार मित्रों, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर 1080 द लेगेसी ऑफ महावीर मूवी का टीज़र रिलीज कर दिया गया। यह फिल्म एक ऐतिहासिक फिल्म है, भगवान महावीर के जीवन पर आधारित रहने वाली है। उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को और शिक्षाओं को दर्शाया जाएगा। उनके वर्धमान से महावीर बनने की यात्रा पर ले जाएगी ये फिल्म, साथ ही ये आपको प्राचीन भारत से भी परिचित करवाएगी। उस समय कौन कौन से गणराज्य और महाजनपद थे भारतवर्ष में, इसका भी उल्लेख देखने को मिलेगा, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम के इच्छवाक वंशीय क्षत्रिय शासक सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी। उस समय के लिच्छवी गणराज्य के शासक या प्रमुख का जो नाम था वो था चेटक। तो इन्हीं चेटक की बहन थी माता त्रिशला। तो इन सब का उल्लेख तो फिल्म में हमें देखने को मिलेगा ही। यदि फिल्म के डायरेक्टर ने शुद्ध मन से मूवी बनाई है तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म सिद्ध होगी। और जैसा कि टीज़र से देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी का निर्माण किया गया है। और हम सभी को इस फिल्म को अवश्य देखना चाहिए, ताकि भगवान महावीर के जीवन के बारे में और गहराई से जान सकें। मित्रों, आप इतिहास में रुचि ना भी रखते हों तो भी जैन समुदाय के समर्थन के लिए यह फिल्म अवश्य देखिएगा। जैन समुदाय भारत की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें भारत में डर लगता है, उन्हें ये अधिकार चाहिए या उन्हें वो अधिकार चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने बढ़ चढ़कर भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दिया है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर गौ सेवा और गौरक्षा तक प्रत्येक कार्य में जैन समाज भारत के बहुसंख्यक समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। तो ऐसे समाज के इतिहास को दर्शाती हुई यदि कोई फिल्म आ रही है तो उसका समर्थन करना हम सभी का कर्तव्य है। वैसे भी आजकल ऐसी फिल्में बनती कहाँ हैं जो हमारे सच्चे इतिहास को हमारे सामने रखें। एक विशेष प्रकार के एजेंडे से भरी हुई, भारत को तोड़ने की बात करने वाली, वोकिज्म को बढ़ावा देने वाली, साथ ही पाकिस्तान प्रेम, नक्सल प्रेम, इन सबसे भरी हुई फिल्में लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में यदि कोई भारत के सच्चे इतिहास को दर्शाने का प्रयास करता है, भारत के किसी महापुरुष पर, उनके जीवन पर आधारित फिल्म बनाता है, तो उसका समर्थन तो हम सबको करना ही चाहिए, ताकि ऐसी अच्छी फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकर्स को बढ़ावा मिले, उन्हें साहस मिले, ताकि आगे भी इसी तरह की अच्छी फिल्में बनती रहें जिन्हें देख कर हम सभी प्रेरणा ले सकें, कुछ सीख सकें। मित्रों, यदि आपने इस फिल्म का टीजर देखा है तो आपको कैसा लगा, आप वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम, जय मां भारती।